लखीसराय जिला से सुजीत कुमार संग रूपेश कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय चानन प्रखंड के इटौन पंचायत के वार्ड 3 के लोगों ने कहा बिना काम किए मुखिया ने निकाला रकम। लखीसराय जिले की चानन प्रखंड के इटौन पंचायत के वार्ड 3 के ग्रामीणों ने मुखिया के खिलाफ खाता खोल दिया। जिला पदाधिकारी लखीसराय को आवेदन देकर ग्राम पंचायत राज्य टाउन प्रखंड चानन लखीसराय के वार्ड नंबर 3 के लोगों ने शिकायत की। इन सब ने बताया कि वार्ड नंबर 3 में वित्तीय वर्ष 2019 से 2020 तक में वार्ड में रामदास महतो के घर से नरेश साव के घर तक पीसीसी एवं ढक्कन सहित नाली का निर्माण होना था। वार्ड नंबर 3 में ही वित्तीय वर्ष 2018 से 2019 में राजेश्वरी राय के घर से राजोसाव के घर तक ही खरंजा एवं नाला का निर्माण होना था। इन योजनाओं की राशि क्या हुई, किसके खाते में गया, ये सब जान रहे हैं लेकिन कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इनमें कार्यवाही होनी चाहिए, इसकी जांच कर दोषी को सजा देनी चाहिए। मामले को लेकर इसमें वार्ड के वार्ड मेंबर भी अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। वार्ड मेंबर का कहना है कि मुझे जितना रकम का काम मिला मैंने किया, बाकी किसने क्या किया खुद लोग देख लें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बिरजू महतो हुआ। कौन से वार्ड में आप हैं? हम 3 नंबर वार्ड में। कौन से पंचायत में हैं? इटौन पंचायत में। ये सड़क की क्या समस्या है? समस्या बहुत खराब है। क्या? बहुत रद्द है, पैसा निकाल लिया, बनाया है नहीं। इसके लेकर के वार्ड मेंबर कभी आप लोगों से चर्चा भी की है? चर्चा हम पढ़े लिखे नहीं है, चर्चा कर रहे हैं, करवा रहे हैं, सातो जी करेगा। अच्छा, इसके लिए क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। अब तो चुनाव आ गया। चुनाव आ गया, चुनाव के जैसे चुनाव के बाद कीजिए, तो पहले कीजिए। चुनाव आ गया कर। ये आपका नाम क्या हुआ? सत्यनारायण राय। ये कौन सा वार्ड है? 3 नंबर। कौन से पंचायत में पड़ता? इटौन पंचायत। ये आपके सड़क की क्या समस्या? सड़क पूरा बदहाल है, पैसा निकाल लिया, बनाया नहीं गया। कौन निकाल लिया पैसा? मुखिया। क्या इसको लेकर के किसी अधिकारी या फिर वार्ड मेंबर या फिर मुखिया सब की बात हुई है? बात हुई, वो बोला कि हम नहीं निकाले, लेकिन पैसा निकला हुआ है। तो ये जो सड़क दिख रही है ये किसके रीजन का सड़क है? ये परशुराम यादव बनाया था, उसी का रीजन का। तो क्या आपको लगता है कि इसी सड़क को दिखा करके सारा काम किया गया होगा? जी जी, यही सड़क दिखा के पैसा निकाल लिया। आपके वार्ड मेंबर का क्या नाम है? वार्ड मेंबर है सुशीला देवी। और ये मुखिया का आपका क्या नाम है? जसोदा देवी। आशीष कुमार। कौन से वार्ड से आप हैं? 3 नंबर वार्ड। कौन से पंचायत से आप हैं? इटौन पंचायत। ये बताइए, जो सड़क को लेकर के लगातार विवाद जो खड़ी हो रही है, बात क्या है इसका? बात यही है, रोड बनाया, बात पैसा निकाला, पैसा निकल गया, अरे रोड बना ही नहीं है। तो ये बरसात में आप लोगों को दिक्कतें होती है? बहुत दिक्कत, भारी दिक्कत होता है। इसके लिए जिम्मेदार किनको मानेंगे आप? दोनों को मानना पड़ेगा ना, वार्ड मुखिया और वार्ड सदस्य। अच्छा, अभी वर्तमान में फिर चुनाव आ रही है, तो इसको लेकर के आपने क्या सोचा होगा? जी, ऐसा प्रतिनिधि को हम कभी नहीं चाहेंगे। ये बताइए, सरकार से और अधिकारी से आप क्या चाहेंगे? जांच होना चाहिए। अरे सब फटुआ है, डरते है क्या? जी, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? विवेक कुमार। कौन से वार्ड से आप हैं? 3 नंबर वार्ड। कौन से पंचायत से हैं? इटौन पंचायत। ये बताइए, आपके वार्ड मेंबर का क्या नाम हुआ? वार्ड मेंबर का नाम उमेश मालाकर। और मुखिया का नाम? पत्नी है, उसका पत्नी है। और मुखिया का नाम? मुखिया नाम जसोदा देवी। ये बताइए, आपके वार्ड में सड़क की क्या समस्या? मेरे सड़क के क्या जो पैसा जो मैं रोड का और ढलाई का और नाला का ढक्कन का जो निर्माण था, वो बिना काम किए हुए एमबी बुक करा के पैसा निकासी हो गया। ये कितने का मन का? 12,400। तो ये बताइए, ये जो काम होना था किनके द्वारा होना था, मुखिया या फिर वार्ड के द्वारा? जी, ये तो हमको जहाँ तक मालूम है, ये तो वार्ड और मुखिया दोनों होना चाहिए ना। तो अभी जो आप बता रहे हैं कि रुपए का निकासी हो गया, किनके द्वारा ये रुपए का निकासी कर लिया गया? जी, अभी तो हम तो वार्ड के थ्रू बोलेंगे। इसको लेकर के कभी किसी अधिकारी से या फिर मुखिया से कोई बात वगैरह आपका? जी नहीं है, दरखास्त दिए हैं सिर्फ। अभी कचरा मावो ये जाइए यहाँ के, और के अच्छा लग रहा है, बढ़िया लगो है। अपन अपन तो कुल बना ले, दूसरा का ऐसी कचरा माना जाना, बाल बच्चा गिर जा है, बजर जा है। आपका क्या नाम हुआ?
उषा देवी। कितने नंबर वार्ड से आप हैं? 3 नंबर। कौन से पंचायत से आप हैं? बताइएगा। राधे माता। कौन से वार्ड से आप हैं? 6 नंबर वार्ड। कौन से पंचायत से हैं? इटौन पंचायत। ये बताइए आपके पंचायत के आपके वार्ड में जो सड़कों की समस्या का लगातार आवाज उठ रहा है उसके लिए आप क्या कहेंगे? हम सर भर भर ठेला पानी था उसको मरम्मत कराया, सीपी ढलाई या नली गली सब बना दिए सर, क्योंकि एक ठेला पानी में चलता था लोग अनुवाद चढ़े 3 वही 2 को कहने से पूरे वार्ड से पूछा गया सर क्या समस्या था, अभी क्या समस्या है। तो लोगों का जो कथन है वह कितने प्रतिशत सत्य है? सत्य एक को प्रतिशत नहीं सारा, जो भी बचा हुआ तो काम होवे करेगा सर। वो काम कब होगा? हमारा फंड से जब आवेगा तब करेंगे सर।